आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार साथियों। वीडियो के इस पार्ट में आज मैं आपसे आईपीसी के सेक्शन 376 के अंतर्गत एक जजमेंट शेयर कर रहा हूं, जिस जजमेंट में एक आरोपी के ऊपर आईपीसी का सेक्शन 376 2N और 506 के अंतर्गत केस दर्ज किया गया और उसके बाद उस व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज होने और चार्जशीट होने के बाद एफआईआर को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की, याचिका फाइल की और उसको स्वीकार कर लिया गया और जो एफआईआर थी उसको रद्द कर दिया गया। आज का जो वीडियो है ये उसी जजमेंट पे आधारित है। अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ भी सकते हैं। ये जो जजमेंट है ये अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग है, मीन्स कि आप इसको कहीं भी प्रस्तुत भी कर सकते हैं कहीं कोर्ट में आपको ज़रूरत पड़ी तो, क्योंकि वो रिपोर्टेबल जजमेंट है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, आपको वहां से मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों इसकी स्टोरी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो जजमेंट है ये बिलासपुर हाई कोर्ट का है, छत्तीसगढ़ का है और ये है कबीर दास वर्सेज स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अदर्स के नाम से है। साथियों ये जजमेंट डिसाइड हुआ है अभी 5 अप्रैल 2022 को, रिसेंटली जजमेंट है और ये जस्टिस दीपक कुमार तिवारी साहब ने जजमेंट को डिलीवर किया है। तो साथियों मैं आपको इस केस की स्टोरी बताऊं तो इस केस में जो स्टोरी बताई गई है कि एक लड़की ने एफआईआर दर्ज करवाई लड़के के ऊपर जो कि इस केस में आरोपी है, दिनांक 16 जुलाई 2020 को। और उस लड़की ने जो एफआईआर दर्ज करवाई उसमें उसने ये एलिगेशन लगाया कि जो आरोपी व्यक्ति है उसने 30 मई 2019 को उसके साथ ज़बरदस्ती शादी किया, उसके बाद उस व्यक्ति ने उसको 3 नवंबर 2019 तक साथ में रखा और उसके बाद उसने मंदिर में शादी करने के बाद ज़बरदस्ती उसने उसकी शादी का रजिस्ट्रेशन कराया और उसको 2 महीने तक सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया और उसके बाद फिर उस लेडीज ने यहाँ पे एफआईआर दर्ज करवाई। और साथियों जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया वो किया था आईपीसी के सेक्शन 376 2N और 506 में। ये जो आईपीसी का जो सेक्शन है 376 2N साथियों ये बताता है कि अगर किसी भी महिला से लगातार रेप किया जाए तो उस कंडीशन में ये धारा दर्ज होती है और इस धारा के अंतर्गत कम से कम 10 वर्ष की सज़ा और अधिकतम आजीवन कारावास भी हो सकता है, साथ में ही जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा एक धारा और भी लगाई गई थी 506 साथियों होता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आपराधिक अभिशात्र जिसको कहते हैं। अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में बताएं तो अगर आप किसी को धमकी देते हैं, अक्सर जब आप किसी को धमकी देते हैं जान से मारने की या फिर किसी अन्य प्रकार से, तो उस कंडीशन में यह धारा दर्ज की जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि हर केस में धारा दर्ज कर ली जाती है पुलिस के द्वारा। इस केस में 2 वर्ष तक की सज़ा या फिर जुर्माने से प्रावधान है, लेकिन जहां अगर कहीं ये जो धमकी दी जा रही है किसी महिला के ऊपर लांछन लगाने को लेकर के की जा रही है तो उस कंडीशन में जिसमें जो सज़ा है वो 7 साल तक हो सकती है। तो साथियों इस प्रकार से पुलिस ने इन दो धाराओं के अंतर्गत मुकदमे को दर्ज कर लिया गया। इसके बाद इस केस में चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत कर दी गई। अब साथियों जब कोर्ट में चार्जशीट प्रस्तुत कर दी गई उसके बाद यहाँ पे जो आरोपी व्यक्ति है उसने हाई कोर्ट में एफआईआर को क्वैश करने के लिए, रद्द करने के लिए पिटीशन फाइल किया। अब साथियों यहाँ पे जो आरोपी ने चार्जशीट और एफआईआर को क्वैश करने के लिए जो एप्लीकेशन जो पिटीशन फाइल किया था हाई कोर्ट में, उसमें जो मुख्य आधार बताया आरोपी ने कि किस आधार पर किस प्रकार से घटना हुई, तो आरोपी ने बताया कि ये उसके और जो लड़की थी जिसने एफआईआर रद्द करवाई था उन दोनों के बीच लव अफेयर था। उसके बाद लड़की ने अपनी सहमति से, मीन्स कि दोनों लोग आपसी सहमति से दोनों लोग गए, उन्होंने एक मंदिर में शादी किया और मंदिर में शादी करने के बाद दोनों लोग साथ में रहे। उसके बाद जब लड़की के माता पिता लड़की को परेशान करने लगे और वो इस रिश्ते से खुश नहीं थे, वो ये चाह रहे थे कि लड़की इस रिश्ते को त्याग दे, इस रिश्ते को छोड़ दे, इसलिए लड़की के घर वालों ने लड़की के ऊपर दबाव बनाया और ज़बरदस्ती उसके ऊपर दबाव बना करके उन्होंने ये केस दर्ज करवाया।
लड़के ने जो आरोपी था उसने अपने डिफेंस में ये भी बताया कि जब इन दोनों के बीच इससे पहले भी डिस्प्यूट हो चुका है, इसके पहले जो लड़की के माता पिता थे उन लोगों ने SDM के समक्ष इस प्रकार से घटना बताई थी, और उस दौरान SDM ने वहाँ पर लड़की का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया था। तो उस जब जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था लड़की ने बताया था कि उसने अपनी मर्जी से शादी किया है, और उसको इस बात की भी जानकारी है कि आरोपी की पहले भी शादी हो चुकी है, वो उसी घर में उस लड़के के साथ अपनी सहमति से बिना किसी डर दबाव के रह रही है, उसका ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था। यहाँ पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो माता पिता के दबाव में किया गया है, जबकि यहाँ पे इस प्रकार से किसी भी IPC सेक्शन 376 के जो इंग्रेडिएंट है वो मैच नहीं होते, ना तो इस धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, इसलिए उसने कोर्ट से निवेदन किया कि FIR को रद्द किया जाना चाहिए। अब साथियों, इसके बाद जब कोर्ट ने इन दोनों पक्षों की दलील को देखा और जब उनको देखा और जो फैक्ट थे उसको भी देखा, उसके बाद कोर्ट ने जो दोनों पक्षों के स्टेटमेंट सुनने के बाद कोर्ट ने जो डिसीजन लिया, तो कोर्ट ने ये पाया कि साथियों यहाँ पे जो लड़की ने मुकदमा दर्ज कराया है, तो लड़की ने जो शादी किया था वो सबसे पहली बात तो ये कि लड़के और लड़के के बीच इनके बीच लव अफेयर था, दूसरी बात दोनों लोगों ने शादी किया था, उसके बाद उन लोगों ने मैरिज को रजिस्ट्रेशन भी कराया था, और इस केस में कोर्ट ने पाया कि जो FIR दर्ज कराई गई है वो लगभग 8 महीने डिले कराई गई है। मतलब अगर आप देखेंगे जो हमने घटना बताई है, लड़की ने खुद बताई थी कि जो उसकी शादी हुई है वो 30 मई 2019 को हुई है और वो आखिरी 3 नवंबर 2019 तक साथ में रही, उसके बाद वो नहीं रह रही है, मतलब लगभग, और उसने जो FIR दर्ज करवाई है वो 16/7/2020 करवाई है, मतलब कि लगभग 8 महीने का लंबा ब्रेक है। कोर्ट ने यहाँ पे ये भी पाया कि दूसरा रीज़न यहाँ पे ये था कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट SDM जिसकी मैं बात कर रहा था, तो SDM के पास जब ये मामला गया था, SDM ने भी वहाँ पे ये बात पाई कि यहाँ पे लड़की ने खुद स्वीकार किया है अपने स्टेटमेंट कि उसने स्वेच्छा से शादी किया है और उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, और वो उसकी पहली पत्नी के साथ में, आरोपी की पहली पत्नी के साथ में वो उसके घर में रह रही है, उसे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि उसकी पहली शादी हो चुकी है, इस प्रकार से स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए थे। कोर्ट ने इस बात को भी माना कि हाँ ये बात भी सही है। इसके बाद साथियों, जब कोर्ट ने जब अपना कंक्लूजन दिया इस पर, तो कोर्ट ने कहा, आप स्क्रीन पर देखिएगा कि कोर्ट ने आखिरी में कुछ 4-5 लाइनें कहीं जो इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से FIR को रद्द कर दिया गया था। इट इज एस्टैब्लिश दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द एप्लीकेंट एंड द कंप्लेनेंट वाज कंसेंसुअल एंड इट इज फर्दर एस्टैब्लिश दैट दे वेयर इन ए रिलेशनशिप फॉर अ सब्सटेंशियल पीरियड एंड बोथ ऑफ देम गॉट मैरिड ऑन 30th May 2019 एंड देयर आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड द FIR वाज रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 376(2) एंड 506 ऑफ IPC ऑन 16/7/2020। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे कोर्ट ने माना कि दोनों लोगों ने सहमति से यहाँ पे अपने जो भी उनके बीच रिलेशनशिप थे वो एस्टेब्लिश किए थे, इसके बाद उन लोगों ने स्वेच्छा से शादी किया था, उसके बाद लड़की ने डिले FIR दर्ज करवाई है। तो कोर्ट ने इस प्रकार से माना कि यहाँ पे जो फैक्ट हैं, और उसके अलावा कोर्ट ने जब इस जजमेंट को लिखा उस दौरान कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का एक रिसेंटली जजमेंट है, सोनू @SubhashKumar, हिंदी में कह सकते हैं सोनू उर्फ सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अनदर 2021 का जजमेंट है, SCC में आप सर्च कर सकते हैं, SCC ऑनलाइन SC 181, ये इससे सर्च कर सकते हैं आप। तो साथियों, इस जजमेंट में भी कुछ कहानी इस प्रकार से थी कि किस प्रकार से जो कंसेंट की बात की गई कि जहाँ पे दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया अगर वो कंसेंसुअल है, तो उस कंडीशन में 376 की धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा, और ये माना जाएगा कि यहाँ पे जो उनके बीच जो संबंध थे वो किसी झूठी कंसेंट के आधार पर नहीं थे बल्कि सहमति से थे। तो कोर्ट ने इस जजमेंट पर भी रिलाइड अपॉन करते हुए इस FIR को रद्द कर दिया, FIR और चार्जशीट दोनों को क्वैश कर दिया। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से, अगर इस प्रकार से अगर कोई झूठा मुकदमा है, क्योंकि हमने देखा है कि मेरे पास भी कुछ केस आते हैं या फिर आप लोग चर्चा करने के दौरान मुझे बताते हैं कि किस प्रकार से किसी भी कंडीशन में अगर पुलिस के पास लेडी ने शिकायत किया है तो मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था साथियों। इस केस में आपको बता दूं कि
पुलिस पहले मुकदमा दर्ज नहीं कर रही थी, लेकिन उस लड़की ने फिर उसके बाद आईजी को कंप्लेन किया, आईजी के बाद उसने एसपी को कंप्लेन किया, एसपी के बाद इतने जो हायरार्की होती है, मतलब ये ऊपर से लेकर नीचे कंप्लेन करने के बाद पुलिस के ऊपर भी दबाव आता है, पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है। तो अगर कुछ इस तरीके की परिस्थिति है कि जहाँ की इंग्रेडिएंट नहीं मैच कर रहे हैं 376 के अंतर्गत और वहाँ पे कंसेंसुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, तो वहाँ पे एफआईआर रद्द की जा सकती है। आप भी ये जो रेमेडी बताई गई है हमारे कानून में, आप उसको भी अवेल कर सकते हैं अगर आपको भी झूठा फंसाया गया है और आप निर्दोष हैं। तो जैसा हमने आपको बताया जजमेंट, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं ऐड कर दूँगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद साथी।